गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी सुबह के 7 बजे हैं और मैं सुबह सुबह गार्डन में आ गई हूँ। सुबह 4 बजे मेरा मेडिटेशन भी हो चुका है और चाय भी हो चुकी है। अभी लगा चला चलो थोड़ा देर गार्डन में घूम आते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, कितने सुंदर सुंदर आज फ्लावर्स फुरचुलाका के खिले हैं। इसको देखकर दिल बहुत खुश हो जाता है। अभी मैं किचन में आ चुकी हूँ और थोड़ा सा बर्तन साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी नाश्ता हो चुका है और नाश्ते के देखो कितने सारे बर्तन निकल आए हैं। कुछ तो एक दो प्लेट्स कल की ही थी, क्योंकि बच्चा लेट में खाना खाता है। कभी कभी हम सोने जाते हैं और मुझे सुबह मेडिटेशन के लिए करीब 4 ही बजे उठना पड़ता है, और बच्चा कभी कभी 12 बजे तक अभ्यास पढ़ाई कर लेता है। इसकी वजह से कभी कभी वो लेट सोता है और लेट खाना खाता है, तो उसके कुछ बर्तन रह जाते हैं, वो भी हमने अभी साफ कर लिए हैं। अभी अच्छे से ये बेसिन एरिया भी साफ कर रही हूँ, क्योंकि जब भी मैं कोई किचन का काम करती हूँ तो साथ में ही ये बेसिन का एरिया भी अच्छे से साफ कर लेती हूँ, नहीं तो इसमें बहुत सारी गंदगी जम जाती है और देख के ये कैसा गंदा लगता है। इसीलिए ये मेरा क्लीन हो गया है यहाँ का एरिया। अभी मैं नहाने के लिए जाऊँगी। अभी करीब सुबह के 9 बजे होंगे। अभी नहाने के बाद मैं पूजा करने के लिए भगवान के पास आ गई हूँ। अब मैं छोटू सी रंगोली बना रही हूँ, क्योंकि रंगोली बनाए नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आंगन में भी छोटी सी मैं सुबह सुबह रंगोली बना लेती हूँ, जब मैं आंगन धो डालती हूँ तब, और छोटी सी रंगोली इधर भगवान के पास भी बना लेती हूँ, क्योंकि उससे पूजा बहुत सुंदर दिखती है और प्रसन्न वातावरण रहता है। और रोज़ मेरा रूटीन ऐसा ही रहता है, सुबह 4 बजे उठो और 4 बजे उठकर ब्रश वगैरह करके 4:30 से 5:30 बजे तक मेडिटेशन करो, और फिर थोड़ा देर रिलैक्स हो जाती हूँ 6 बजे तक। उसके बाद पूरा आंगन धो डालती हूँ बाहर का, और फिर नाश्ता हो जाता है। फिर कभी कभी नहाने से पहले एक बार हम नाश्ता कर लेते हैं, नहीं तो कभी तो नहाने के बाद ही नाश्ता कर लेते हैं, और उसके बाद नाश्ते के बर्तन वगैरह हो जाते हैं। अभी ये हमारी यहाँ पूजा हो चुकी है। अभी जो हमने नाश्ते के बर्तन थोड़े से रखे थे वो लगा रहे हैं। आज हमने कुछ हीवी नाश्ता किया था, पराठे के साथ चटनी बनाई थी, पर आपके साथ हमने शेयर नहीं की, क्योंकि खाना नाश्ता इतना बड़ा हम शेयर करेंगे तो मेरा वीडियो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, और अभी नए नए वीडियो पर है तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं। इसीलिए अब ये बर्तन पूरे लगा दे रही हूँ किचन में, क्योंकि बर्तन नहीं लगाए तो किचन बहुत खाली खाली दिखती है और अच्छी नहीं दिखती। थोड़े से लगा कर अभी मुझे खाना भी बनाना है। आज मैं बस सिंपल सा सादा ही खाना बनाऊंगी, कुछ ज़्यादा नहीं, आलू की सब्ज़ी और रोटियाँ इतना ही बनाऊंगी। कभी कभी हम औरतें थक जाते हैं काम करते करते, तो ऐसा लगता है कुछ शॉर्टकट में खाना बनाएं। कभी कभी तो बहुत सारे डिश हो जाते हैं, तो अभी मेरे पूरे बर्तन लग चुके हैं और मैं अभी टेस्टी खाना बनाऊंगी। सिर्फ चटनी और रोटी, ये चटनी आलू की है। अभी ये आलू मैंने उबाल लिए हैं। उबालने के बाद इससे पूरे छिलके निकाल कर रखूँगी, और तब तक दूसरा भी काम हो जाएगा।
से बर्तन धोए थे तो उसकी जगह से हमने बेसिन के कुछ बर्तन वाले सिंक था वो हटा दिया। और अभी आलू के छिलके निकालेंगे, थोड़े ठंडे पानी में रख रही हूँ क्योंकि बेटे को लगी है भूख और हमको जल्दी जल्दी ये बनाना है चटनी, इसीलिए साड़ी में थोड़ी हमें मुझे दिक्कत होती है। पर मुझे साड़ी ज़्यादा पसंद है इसलिए बीच बीच में मैं साड़ी पहन लेती हूँ डेली यूज वाले। मुझे तो लगता है हर औरत साड़ी में ही ज़्यादा सुंदर दिखती है, पर काम करने में दिक्कत होती है इसलिए बहुत सारी औरतें साड़ी पहनना पसंद नहीं करती है। पसंद तो सबको आती है पर काम में दिक्कत होती है इसीलिए। अभी मैं ये प्याज काट रही हूँ और थोड़े से ये आलू बारीक करके रख देती हूँ क्योंकि अभी इसके इसकी हम मुझे फास्ट में अच्छी और टेस्टी चटनी बनानी है। हम औरतों के जितने भी काम करो उतने कम ही रहते हैं, चाहे दिन में सुबह 4 बजे से उठो या लेट उठो। ये आलू ख़राब था, हमने ये फेंक दिया है। काम तो 2-2 बजे तक चलते ही है, हम तो 4 बजे से उठते हैं फिर भी हमको भी मुझे भी 2 बजे तो लग ही जाते हैं पूरे काम निपटाने में, क्योंकि इतने सारे घर की क्लीनिंग ऊपर की नीचे की और वो गार्डन का भी एक्स्ट्रा काम रहता है, इसीलिए इतनी देर तो हो ही जाती है। अभी मैं यहाँ पे आलू की टेस्टी चटनी बना रही हूँ इसलिए मैंने ये बड़ा सा प्याज डाल दिया और इससे जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया और हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा मसाला इसमें सब डाल दिया। बस ये सिंपल सी आलू की सब्जी और टेस्टी सब्जी तैयार हो गई है। इसमें टमाटर हमने ऐड नहीं किया क्योंकि मेरे बेटे को ये टमाटर बिल्कुल पसंद नहीं है इसीलिए। और थोड़ा सा ये मसाला ऊपर से भी डाल रही हूँ और थोड़ा नमक। बस हो गई हमारी टेस्टी टेस्टी आलू की सब्जी तैयार फास्ट में एकदम। तो अभी हम चपाती बना लेते हैं। चपाती हम फास्ट में स्पीड करके दिखा रहे हैं इसलिए कि वीडियो लंबा हो जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ बहुत बार मेडिटेशन के बातें करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है आप भी करो मेरा देख के और खुश रहो और टेंशन फ्री रहो। ये देखो चपाती। हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा वो लाइक कमेंट करके जरूर बताना। हम इस चैनल पर नए हैं और अभी नए नए वीडियो बना रहे हैं तो कुछ हमारे से चूक भी होंगी तो आप प्लीज़ हमें माफ़ करके हमारे वीडियो आपको अच्छे लगे तो देखते रहना। फ्रेंड्स, आप लोग खुश भी नहीं हो तो खुश रहने की कोशिश कीजिए क्योंकि कोशिश करने से ऐसा हो जाता है वो चीज़ की हमको आदत हो जाती है। कभी नेगेटिव विचार मन में आए तो उसे हटाकर पॉजिटिव लाना तुरंत ये थोड़ा कठिन है पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। आप कर सकते हो जैसे हमने किया है। जैसे हम सुबह गार्डन में जाते हैं, थोड़ा टहल के आते हैं और हमारा दिन पूरा अच्छे से आराम से निकल जाता है और सुबह 4 बजे मेडिटेशन भी करते हैं, उसकी वजह से हम हमेशा फ्रेश रहते हैं। आप भी, आपको जो अच्छी हॉबी हो ऐसी आप कर लेना और हमेशा खुश रहना। ओके फ्रेंड्स, बाय एंड टेक केयर। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।